हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की चाट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1.5 कप पानी लिया है। ये हम आलू बुखारे की चटनी पहले तैयार करेंगे। तो ये ड्राई आलू बुखारा है, इसको हमने 1 कप हमने ले लिया ड्राई आलू बुखारा। एक चाय का चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे और 2 खाने के चम्मच हमने चीनी डाल दी है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। ये देखें, ये हमारे गाढ़ा गाढ़ा से ये रेडी हो गया। अब हम इसको मशीन में डाल के इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर हमारा ये रेडी हो गया, बिल्कुल चटनी की तरह इसका पेस्ट बन गया। हमने पेस्ट बनाना है इसका। अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1/2 कप पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला मिक्स किया। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, ये 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। ये हमारी जो ये चटनी जो है आलू बुखारे की, वो रेडी हो गई है। अब हम कुछ फल लेंगे। ये हमने केला लिया है, आप अपने मुताबिक जितने अपने चाट बनानी हो उतने मुताबिक आप केले। और ये है आड़ू और है सेब। और अब ये है खरबूजा। ये है पाइनएप्पल और खजूरें, 2-3 खजूरें ले ली हैं और थोड़े से पाइनएप्पल ले लिए हैं। अभी हम एक बॉल तकरीबन, जिसमें आप बच्चों को कुछ खाते हैं, छोटा एक बॉल हम लोगों ने आलू बुखारे की जो चटनी हमने रेडी की थी वो हमने डाल दिया है। डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी आपने डालनी हो हम थोड़ी सी और ऊपर से डाल दिए और ये हमारी आलू बुखारे की जो चाट है वो रेडी हो गई है। ये स्पेशल। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज़।